अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं जैक्समिन व्लॉग्स। कैसे आप सब? लग रहा है आपको हमेशा खुश रखे, आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं खीमे में तरकारी डाल के बना रही हूँ ऑलरेडी। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। पहले तेल डाल रही हूँ मैं इसमें, तो यह 4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। तेज पत्ता, ज़ीरा, लौंग, चकला, इसको थोड़ा चटपट चटपट होने के बाद इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को अच्छा ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे, मतलब तल लेंगे एकदम अच्छा ब्राउन। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हमारे सालन भी अच्छा बनेगा। तो थोड़ी देर प्याज को अच्छे से ऐसे हिलाते रहना चाहिए, वरना हाई फ्लेम पे रख के प्याज को ऐसे रख दिया तो जल जाएगा। तो बीच बीच में हिलाते रहना चाहिए। ये देखिए हमारा प्याज एकदम ब्राउन कलर हो चुका है। तो इसमें अब मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। अभी इसको भी अच्छे से तल लेंगे ताकि अदरक स्मेल, थोड़ा कच्ची स्मेल ना हो इसमें। तो इसको भी थोड़ी देर ऐसे ही भुनने के बाद टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ इसमें मैं, एक बड़ा वाला टमाटो प्यूरी। अब इसको अच्छे से गलने के बाद, पकने के बाद इसमें मैं खीमा डाल चुकी हूँ। खीमा डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको ऐसे तेल में तल रही हूँ मैं थोड़ी देर, क्योंकि खीमे का थोड़ा कच्ची स्मेल चल जाना चाहिए ना, तो इसलिए। तो 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं, छोटे वाले। अब इसमें मैं कोथमीर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही तेल में ही थोड़ा थोड़ा करके भूनते रहना चाहिए इसको। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, अगर आपको ज़्यादा तेज है तो और थोड़ा डाल लीजिएगा। कोथमीर और पुदीना दो भी मिला के डाली हूँ मैं इसमें। तो तेल में ऐसे ही भुनने देंगे थोड़ी देर। इसमें थोड़ा सा साल डाल रही हूँ। देखिए पानी और भी है हमारे खीमे में, तो और थोड़ी देर पानी को अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के 5 विजल्स मैं नहीं दिखाई दी आपको, 5 विजल्स लगा दिया है मैंने इस पर। ये देखिए 5 विजल्स। उसके बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा तरकारी डाल रही हूँ, 1 कैप्सिकम और 1 आलू डाल रही हूँ, और थोड़ा सा साल डाल रही हूँ क्योंकि आलू को भी साल लगना चाहिए ना, तो इसलिए। देखिए फिर से थोड़ी देर ऐसे ही हल्के से हल्के आंच में भून रही हूँ मैं इसको, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको और विजल्स, मतलब आलू और कैप्सिकम डालना चाहिए ना, तो 2 या 3 विजल्स लगा लीजिएगा आप। अगर आपका गोश्त गला नहीं है तो आप 7 विजल्स लगा सकते हैं। अब इसमें मैं मटन मसाला डाल रही हूँ और कसूरी मेथी, थोड़ा सा तेल भी ऊपर से डाल लिया है मैंने। फिर से 2-3 विजल्स लगा लीजिएगा। देखिए हमारा खीमा अच्छे से गल चुका है। देखिए रोटी में एकदम मस्त रहता है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखिए अगर आपके इतना ढीला नहीं चाहिए तो और फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर रख दीजिएगा, क्योंकि पानी पूरा जो भी है ना निकल जाने दीजिए। गने आपको ऐसे ही चाहिए तो रोटी में ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी गल जाने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट्स स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।